समस्या के लिए हमने तमाम लेटेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जितने भी डिजिटल फॉर्मेट्स होते थे, डीवी कैम भी करते थे लोग, डिजीबीटा भी करते थे, हम इसको आईमैक्स पे ले गए जो कि इस वक्त एक बहुत मॉडर्न फॉर्मेट है और बिल्कुल जस्ट क्लोजर टू 35mm है। हमारा ख्याल था पहले कि हम 35mm पर कर लें इस फिल्म को, बट कुछ चीज़ें थी बीच में हाई जिसकी वजह से नहीं कर सके, हम इसको आईमैक्स के ऊपर ले गए, आईमैक्स किया। उसके बाद हमने बहुत ही कलरफुल सेट लगाए मॉडर्न स्टूडियोज़ के अंदर, बहुत ही अच्छी HMI लाइटिंग की हमने इसके ऊपर और एक नए फॉर्मेट टेप पर किया उसको, आदम खान साहब ने एडिट किया। तो ये तमाम चीज़ें अच्छा, फिर इसके साथ ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे इसके अंदर, जो हमने दिए ग्राफिक्स को एक नेचुरल ट्यूब्स को उसके ओरिजिनल फॉर्म में दिखाना, अगर आप उसको लाइव शूट करते हैं तो वो चीज़ नहीं आ पाती है, जो हमने ग्राफिक्स से एनिमेशन से बनाई जो आप देख रहे हैं इसके अंदर चल रहे हैं और जो जेल से लिखा जा रहा है इसके ऊपर, लामारा क्रेडिट गोज टू द शार्प इमेज जो जिन्होंने इन तमाम चीज़ों को किया। तो मैं समझता हूँ जब तमाम अच्छी चीज़ें यकजा होती हैं, मॉडल्स बहुत ज़्यादा हमने इन पर जोर दिया, हमने बहुत लाइव परफॉर्मेंस वाली मॉडल जो कि यंग ट्रेंडी गुड लुकिंग मॉडल हमने उनका इंतखाब किया, लोकेशन हमने जो आउटडोर यूज़ की बहुत कलरफुल थी, नेचुरली आउटडोर किसी पार्क्स में कर लेने से बेहतर हम लोगों ने अच्छी मॉल्स जो मॉडर्न मॉल्स हैं हमने उनको इम्पोर्टेंस दी वहाँ शूट करने में। तो ये तमाम चीज़ें जब खुद बनती हैं तो एक अच्छी फिल्म सामने आती है, बेसिक आपका आइडिया उसके सामने साथ होता है, उसके साथ उसको आप एग्जीक्यूट करते चले जाते हैं, तमाम अच्छा इंग्रेडिएंट्स जो आप डाल सकते हैं आप वो डालें फिल्म में, फिल्म खुद उभर के सामने आती है। जिस तरह का ये जिंगल था, जिस तरह का फिल्म का मूड था, उसके हिसाब से बहुत फास्ट पेस फिल्म थी। जो सबसे पहले हमने इस फिल्म का जिंगल बनाया जो कि हमारे बहुत सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर इमरान आपको क्रेडिट जाता है जिन्होंने इस फिल्म के, तो वो इतना मूड लाइवली कर दिया कि हमें खुद ही फिल्म सामने नजर आने लगी, विजुलाइज करने लगे कि ये फिल्म कितने फास्ट हो सकती है, इसमें अंदर कितने शॉट्स हम लगा सकते हैं, कितने एडिट्स में आप 12 फ्रेम का शॉट लगा लें, 24 फ्रेम का शॉट लगा लें, लाइक एक सेकंड के अंदर आप लगा लें, तो फिल्म का मूड बहुत पेस बहुत ऊपर चली गई। तो मैं समझता हूँ अगर ये टॉकी होती तो पेस इतना फास्ट नहीं होता, इतना ट्रेंडी नहीं होता जितना कि मैं समझता हूँ जिंगल की वजह से हुआ, क्योंकि जिंगल बहुत फास्ट था, म्यूजिक बहुत फास्ट थी, बीट्स बहुत फास्ट में ले दी हमें, तो कटिंग करने में एडिट में बहुत मज़ा आ रहा था हमें करने में, तो हमें इस वजह से फिल्म और अच्छी हुई कि जिसका जिंगल बहुत अच्छा। जो यंग जनरेशन पसंद करती है हमने वो दिखाया है कि एक मॉडर्न फील कलरफुल, हम उस प्रोडक्ट को एज अ प्रोडक्ट का एक कमर्शियल बनाने की कोशिश नहीं की, कि वो तो हम ये भी कह सकते थे कि लाइक जी के एक्वाजल आया, एक्वाजल 2500 रुपये में एक्वाजल, लेकिन वो चीज़ हम एक यूथ के बिल्कुल एक उनके आइडियालिज्म के अंदर घुस गए हम, और हमने जो वो यूथ सोचता है जो फ्रेश फीलिंग यंग ट्रेंडी मूड, हमने वो सब कुछ दिखाया कि एक बिकॉज एक नई प्रोडक्ट थी तो हम चाहते थे लोगों एक यंग जनरेशन के अंदर बिल्कुल सरायत कर जाए, तो हमने एग्जैक्ट उनको पोर्ट्रेट किया जो एक यंग जनरेशन सोच सकती है, उनके आइडियल जो चीज़ें हैं हम उसमें दिखाते चले गए और जो चीज़ वो फील करती है, और आई थिंक वी आर राइट ऑन ट्रैक। पहली बार हमने इस कमर्शियल के साथ एक चीज़ की है कि हमने इसकी एक म्यूज़िक वीडियो भी बनाई है जो कि टेलीविजन पर आप देख रहे हैं, बिकॉज ये फिल्म इतनी ट्रेंडी इतनी अच्छी थी और इसके अंदर इतने सीन्स हमने रिकॉर्ड किए थे, अच्छा इतनी एनर्जी थी इस फिल्म में, कलर्स थे, सेट्स थे, लाइटिंग मूड इतना फिल्म का अच्छा था, तो हमने कोशिश की कि इस कमर्शियल के साथ हम एक म्यूज़िक वीडियो भी बनाएं और जिसके अंदर वो सारा मूड जितना कल जाए, एक बहुत ही अच्छी म्यूज़िक लेके हमने कैंड और हमने उस पर एक म्यूज़िक वीडियो काटी, उसके अंदर वो शॉट्स भी हमने लगाए जो कि हम कमर्शियल में नहीं लगा पाए अपनी महदूद 30 सेकंड्स होने की बिना के ऊपर, और इस म्यूज़िक वीडियो को हमने बहुत लाइवली बनाया, बहुत मज़े की चीज़ें बनाई इसके अंदर, बहुत से शॉट्स डाले, बिकॉज एक मैं समझता हूँ 30 सेकंड में 5 मिनट में ये फ़र्क होता है कि आप बहुत चीज़ें लगा सकते हैं एक्स्ट्रा जो आप लेते हैं जो उस वक्त आपको बहुत अच्छी लग रही होती है, मगर आप महदूद टाइम की बिना पर आप कमर्शियल में नहीं लगा सकते, वो चीज़ आप म्यूज़िक वीडियो में, मैं समझता हूँ ये पहला ट्रेंड हमारा हमने सेट किया कि एक कमर्शियल और उसकी म्यूज़िक वीडियो हमने साथ बनाई और साथ चलाई। तो मैं समझता हूँ जो लोग ये
कहते हैं कि जी अच्छा काम करने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत है हमें, या पड़ोसी मुल्क में जाते हैं, या हांगकांग चले जाते हैं, या इंग्लैंड चले जाते हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तमाम राइट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तमाम मॉडर्न टेक्निक्स मौजूद हैं कि आप पाकिस्तान में एक अच्छे फिल्म बना सकते हैं, जिसका मुजाहरा आप देख रहे हैं इंग्लिश एक्वाजेलिक। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक बिल्कुल मुकाबला करने वाली फिल्म है।